मंदिर के नीव निर्माण का दूसरा चरण, बेजोड़ होगी अयोध्या में राम मंदिर की भव्यता, रिटेनिंग वॉल के लिए टेस्टिंग का काम शुरू, भव्य मंदिर का आकार देने की प्रक्रिया रात दिन जारी, दिसंबर में शुरू हो जाएगा मंदिर के प्लिंथ का निर्माण। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर प्रस्तावित मंदिर की भव्यता बेजोड़ होगी। 360 फीट लंबा, 235 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा मंदिर तीन तल का होगा। भूतल में 160, प्रथम तल में 132 और दूसरे तल में 74 स्तंभ लगेंगे। मंदिर में एक मुख्य शिखर सहित 5 उप शिखर और इतने मंडप भी होंगे। मंदिर में यूं तो एक मुख्य द्वार तथा उप द्वारों सहित कुल 12 द्वार होंगे, लेकिन इनकी भव्यता जब आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत होंगे। भव्य मंदिर को आकार देने की प्रक्रिया रात दिन चल रही है। अकेले मंदिर ही 3.25 एकड़ तथा मंदिर का संपूर्ण परपोटा 6.5 एकड़ का होगा। 70 एकड़ के राम जन्मभूमि परिसर में प्रस्तावित सांस्कृतिक उपनगरी आगे चलकर कल्चरल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में विकसित होगी। मंदिर की नींव के तीसरे चरण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। इस बीच रिटेनिंग वॉल के निर्माण के लिए टेस्टिंग का काम शुरू हो गया है। राम मंदिर का निर्माण के इस विशेष शो में आइए जानते हैं इस हफ्ते राम मंदिर के निर्माण की प्रगति यात्रा के बारे में। राम मंदिर की नींव के ब्लॉक में दरार। अयोध्या में बन रहे ऐतिहासिक राम मंदिर के निर्माण के दूसरे चरण में आंशिक बाधा आ गई है। राफ्ट की डिजाइन में फिर से फेरबदल किया गया है। डिजाइन में कुछ तकनीकी खामियां पाई गई हैं, इसके चलते नींव में दरार आ गई है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस खामी से हान की कोई संभावना नहीं है, फिर भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डिजाइन में परिवर्तन किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि बड़े ब्लॉकों में एयर निकलने का स्थान कम होता है, ऐसे में दरार की आशंका रहती है, इसलिए अब बड़े की अपेक्षा छोटे छोटे ब्लॉक बनाए जाएंगे। राम मंदिर की नींव के लिए राफ्ट का निर्माण 31 अक्टूबर 2021 को शुरू हुआ था। निर्माण कार्य को 15 नवंबर तक पूरा करना था। 17 नहीं, अब बनेंगे 30 ब्लॉक। राम मंदिर की नींव के निर्माण के लिए पूरे सर्कल में 27x27 फीट के कुल 17 ब्लॉकों में राफ्ट का निर्माण अलग अलग 17 रात्रियों में किया जाना था। अब तक कुल 7 ब्लॉक बन चुके थे। इस बीच राफ्ट के सूखने के लिए उचित तापमान न मिलने के कारण काम बंद कर दिया गया। विशेषज्ञों की टीम ने पाया कि बड़े राफ्ट को सूखने के बाद उसमें दरार आ गई, इससे भविष्य में नींव में पानी जाने की आशंका थी। राम मंदिर की नींव के ऊपर ढाले जा रहे ये राफ्ट 1.5 मीटर मोटे थे। निर्णय लिया गया कि अब राफ्ट का एक एक ब्लॉक 9x9 फीट का बनाया जाएगा। इस हिसाब से कुल 30 ब्लॉक का निर्माण होगा। राफ्ट के निर्माण में इसकी मजबूती का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। इसे विशेष प्रकार के इंजीनियर फील्ड मसाले से तैयार किया जा रहा है। मंदिर के तीन तरफ 12 मीटर की मोटी दीवार। राम मंदिर को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए मंदिर के तीनों तरफ 12 मीटर गहरी मजबूत रिटेनिंग वॉल यानी सुरक्षा दीवार का निर्माण होगा। दिल्ली में हुई श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की बैठक में रिटेनिंग वॉल और परकोटे की डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसकी निर्माण प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। निर्माण से पूर्व L&T ने मंदिर के पश्चिम दिशा में टेस्टिंग शुरू कर दी है। इस दिशा से वॉल का निर्माण शुरू होगा। पहले रिटेनिंग वॉल की मिट्टी की जांच होगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर ही यह तय होगा कि रिटेनिंग वॉल कितनी गहरी बनाई जाएगी।
रिटेनिंग वाल के बन जाने के बाद मंदिर के परकोटे का काम शुरू होगा। परकोटे का निर्माण भी पश्चिम दिशा से ही शुरू होगा। इसका निर्माण भी L&T कंपनी ही कराएगी। भव्य और आकर्षक होगा परकोटा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र के अनुसार रिटेनिंग वाल का निर्माण पत्थरों से ही किया जाएगा। नदी के प्रवाह से राम मंदिर को सुरक्षित रखने के लिए इस तरफ सुरक्षा की दीवार को काफी मजबूत बनाया जाएगा। इसके लिए ऐसा पत्थर हो जो नमी में भी सुरक्षित रहे, इसीलिए CBRI रुड़की परकोटे में लगने वाले पत्थरों का अध्ययन कर रहा है। रिपोर्ट आने पर आगे का काम शुरू होगा। परकोटे के खंभों और दीवारों पर रामायण कालीन चित्र के साथ देवी देवताओं के चित्र भी उकेरे जाएंगे। मंदिर नक्काशी के दौरान पत्थर न टूटे, इसको लेकर मंथन चल रहा है। फिलहाल परकोटे का दर्शन करते ही रामनगरी की समृद्ध धार्मिकता और रामायण युग का एहसास भक्तों को होगा। इसको लेकर संत धर्माचार्यों से भी सुझाव लिया जा रहा है। प्लिंथ निर्माण के लिए एकादशी को हुआ पूजन। राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर की नींव के निर्माण के तीसरे चरण में 16 फीट ऊंची प्लिंथ का निर्माण कार्य शुरू होगा। प्लिंथ निर्माण के लिए कार्तिक मास की देवस्थानी एकादशी यानी 14 नवंबर को पूजन किया गया। प्लिंथ के निर्माण कार्य के लिए अब तक 80% से अधिक पत्थर आ चुके हैं। प्लिंथ के ऊपर लगाने के लिए मिर्जापुर के 4 फीट लंबे और 2 फीट चौड़े पत्थरों को 30,000 ब्लॉक में बनाया जाएगा। राम चबूतरा के लिए 4,500 घन फीट में पत्थर लगाए जाने के लिए बेंगलुरु से पत्थर आ रहे हैं। अप्रैल 2022 से पहले राम मंदिर आकार लेने लगेगा। इस तरह से कार्य हो रहा है कि दिसंबर 2023 में भक्तों के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। मंदिर परिसर में विकसित होंगी हाईटेक सुविधाएं। 14 नवंबर को नई दिल्ली में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता युग पुरुष स्वामी परमानंद महाराज ने की। बैठक में ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत गोपाल दास भी अयोध्या से ऑनलाइन जुड़े। बैठक में निर्माण के आगे की कार्य योजना के साथ ही राम मंदिर परिसर में भक्तों के लिए सुविधाएं विकसित करने पर मंथन किया गया। इंजीनियरों ने बैठक के बाद बताया कि दिसंबर से प्लिंथ का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर बन जाने पर प्रतिदिन 1,00,000 भक्त दर्शन पूजन को पहुंचेंगे, इसलिए मंदिर परिसर में भक्तों के लिए सुविधाएं विकसित करने का खाका खींचा गया है। रामलला परिसर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि भक्तों को कोई असुविधा न हो। हर काम का बारीकी से निरीक्षण। गर्मी, बरसात, ठंड और मौसम की कई अन्य प्रतिकूलताओं के बावजूद मंदिर निर्माण की प्रक्रिया अपेक्षित गति से आगे बढ़ रही है। निर्माण की प्रक्रिया में सहयोगी कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी और कर्मचारी रात दिन काम में जुटे हैं। नींव के निर्माण में 2-2, 3-3 शिफ्टों में लगातार 24 घंटे काम चल रहा है। मंदिर निर्माण की कार्यदायी संस्था L&T के प्रोजेक्ट मैनेजर विनोद मेहता और टाटा कंसल्टेंट इंजीनियर्स के प्रोजेक्ट मैनेजर विनोद शुक्ल की विशेषज्ञ टीम निर्माण कार्य का बारीकी से निरीक्षण करती है। फिर अगले चरण का काम शुरू होता है। इस तरह धीरे धीरे मंदिर अपना आकार ले रहा है। राम मंदिर का निर्माण का ये शो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।